छोड़ा है कश्यप को हाँ बड़ी जल्दी वापस आ गए मेरा तो ख्याल था कि रात देर तक नहीं आओगे गए वेल रास्ता बड़ा लंबा था इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी निकल आना चाहिए टेलर में हेलो पता नहीं क्या मतलब पता नहीं बहुत मुश्किल सवाल है क्या क्योंकि किसी से दो दिन में मोहब्बत करना आसान काम तो नहीं है सारा भी सलाम कह रही थी आप। अच्छा, जीती रहे। उसे भी साथ ले आते जी अगली बार जरूर लेके मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने और मैंने खामो डेढ़ घंटा बर्बाद कर दिया तैयार होने में काम करे अच्छी थी बहुत अच्छी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बीबी के नाम पे एक पाँव की जूती चाहिए या तुम्हें लगता है कि मैं उन मर्दों में से जो कमजोर औरतों को आइडियलाइज करते हैं क्योंकि ना कुछ शख्सियत होती है और ना ही कोई सोच होती है अगर मुझे कमजोर औरत से शादी करना होती तो मैं तुमसे कभी ना करता नो कश क्योंकि तुम किसी भी लिहाज से कमजोर औरत नहीं है कुछ कहो तो मैं खामोशी की आवाज सुन रही हूँ खामोशी की भी कोई आवाज होती हाँ, मैं तो सुन रही हूँ मुझे समंदर की आवाज आ रही है परिंदों की आवाज आ रही है और हवाओं की आवाज आ रही है लेकिन खामोशी की नहीं आ रही मैं बी एम डर नो no, मुझे आ रही है मैं तो सुन सकती हूँ क्या तुम क्या कर hmm? रहे हो तुम्हारी तरह खामोश की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो किस किस्म की बातें करते हो तुम जिस तरह की तुम सुनती हो बड़े बच्चों जैसे हरकतें करते हो तुम हाय कुछ जाने देर बाद जाके पता चला तुम्हें आओ वहां तक चले कहां तक वहां तक वहां गहरे पानी तक नहीं यार वहां जहां सूरज पानी से मिलता है आ जाओ वहां पे तो कोई भी नहीं जा सकता और अगर जाएंगे भी तो अकेले अकेले ही जाएंगे क्यों हम इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते चलो लड़कियों को सीपियां इतनी पसंद क्यों होती हैं क्योंकि ये हमारी तरह नाजुक होती हैं आई थिंक मेरे पास ज्यादा आसान अल्फाज हैं इस चीज के लिए अच्छा हां क्योंकि वो टूट जाती हैं हम लड़कियों की तरह तो अगर हम लड़कियों को सीपियां अच्छी लगती हैं तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है अह मोती वो जो सीपियों के अंदर छुपे हुए होते हैं बहुत मटीयलिस्टिक हो तुम मटेरियलिस्टिक हम होते हैं हाँ ये लड़कियों को देने के लिए तो हम इकट्ठे करते हैं ओ हाँ वो तो मैं भूल ही गई फिर तो तुम लोगों को कांटे भी अच्छे लगने चाहिए कांटे हाँ जिसे मछली को फंसाते हैं हम्म नहीं इतना स्मार्ट होती यार ये हो तुम तो। हर चीज को फैलाने की क्या जरूरत है बहुत बुरी आदत है तुम्हारी और टावल को बेडरूम में लाने की क्या तुक बनती है हाय, मैं भी आज के लिए सोचता हूँ मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा गंदा। अच्छा प्लीज सफाई ना करना शुरू कर दो कल सफाई वाली आएगी और कर देगी सफाई ना क्या सोचे करो देखो घर है हमारा जंगल तो नहीं है ना और काम वाली आएगी तो क्या सोचेगी कुछ नहीं सोचेगी सोचेगी कितना खूबसूरत शोर है तुम्हारा और हमारा जोड़ा माशाल्लाह अच्छा प्लीज अब बाथरूम की सफाई ना शुरू कर देना कशफ मिस प्लीज बैक मेरा ख्याल है अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ ना तो उसकी एक वजह जरूर कि ये बे होगी मेरी तो आधी जिंदगी इन बोतलों के ढक्कन ढूंढते और बंद करते गुजरेगी सच ए बीबी अपनी हर चीज के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बल्कि ख्वार होने के लिए कोई और मौजूद होगा मुझे इस सब पर यकीन नहीं आता ये अगर खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है और अगर कोई झूठा ख्वाब है तो मैं क्यों देख रही हूं इस आदमी की अजीब सी आदत होने लगी है मुझे अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया, तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए तो मेरी फैमिली को लगता नहीं है कि मेरी शादी ज़्यादा देर तक तो चल सकेगी तुम्हें तो क्या लगता है? मुझे क्या पता होगा तुम्हें या तुम्हारे घरवारों को पता होगा वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे सामने सारी बातें नहीं तुम्हारी फैमिली क्यों समझती है ऐसे? पता शायद उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगता हूँ और ये भी लगता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाऊंगा तुम्हें क्या लगता है ज्यादा तो नहीं देखा पता था मुझे वैसे अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की राय शादी से पहले पता चल जाती तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता कश्यप मैं बेवकूफ हूं लेकिन उल्लू का पट्टा नहीं है शादी से पहले मैं शादी से इसलिए भागता था क्योंकि मुझे लगता था कि शादी बहुत ज्यादा कमिटमेंट और जिम्मेदारी मांगती है एक स्मार्ट आर्ट फिर एक बात बताओ बैठे तुम्हें मुझसे शादी का भूत क्यों सवार हुआ? क्योंकि सारी सारी कभी भी किसी भी बीवी की तारीफें उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए उसका दिमाग खराब हो जाता है पहले तो तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आता था सीधा सीधा मेरे मुंह पे तारीफें करते थे तुम उस तो मेरी बीवी नहीं थी पटा रहा था तुम्हें तो बहुत ही चीज बोलता हूँ पर एक टिपिकल शो है माना I like being a typical show मैं तो हमेशा रहना भी चाहता हूँ एक टिपिकल शो बहुत ज़्यादा caring बहुत ज़्यादा expect करने वाला बताओ बताओगी मेरे नखरे ऐसे बीवी को के नखरे उठाने होते हैं नहीं नहीं बीवी को शोहर के नखरे उठाने चाहिए और शोहर को बीवी के नखरे उठाने चाहिए बस अंदाज अलग होता है ऐसे तुम्हारे नखरे बहुत उठाता हूँ मैं अच्छा चलो आइसक्रीम खाते हैं मनचा बेटा देखना कौन आया मैं लाइबा का होमवर्क चेक कर लूं लाइबा दिखाओ क्या बताया हाँ आज क्या दिया था होमवर्क अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है हाँ ये मनचा है अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आती है क्या हाल है अच्छा आज वाले जीते रहो तुम लोग तो जल्दी आ गए हाँ जी बस आज रस्ते में ट्रैफिक ही मिली जल्दी पहुँच गया चलो बहुत अच्छा किया आप अंदर चले हाँ मैं अभी आती हूँ अच्छा बच्चों मैं जरा मेहमान आ गए तो उनके पास बैठती हूँ रेलगाड़ी पे मजमून लिखना है हाँ अपनी सारी चीजें और खामोशी से

मछली को भी मैंने मसाला लगा दिया था हाँ तल लेना अच्छी चाय बनाती है अच्छा ये बताओ जॉब कैसी चल रही आंटी इट्स इट्स गोइंग वेल जा रही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी बहाने से कश्यप को भी इस्लामाबाद पोस्ट करवा लो इतना दूर दूर रहते हैं उसके काफी मसले मसायल है हाँ बेटा बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा था ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो आप नहीं बोर होती है अकेले रहते हैं अरे नहीं बेटा बोर होने वाली कौन सी बात है सुबह को नौकरी करती हूँ शाम को ट्यूशन पढ़ाती इतने सारे बच्चे आ जाते फिर रात को मैं इतना थक जाती हूँ नींद आ जाती है बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा आंटी मुझे आपके घर की यह बात बहुत अच्छी लगती है जो भी चीजें आप गैस को सर्व करती है घर की बनी हुई होती है ऐसा तो नहीं होता बेटा यही हमारा पुराना रिवाज था और पुराने रिवाज अच्छे होते हैं लेकिन अब कुछ हालात बदल गए हैं जमाना बदल गया है बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाना पहले वक्त नहीं मिलता था अब मुझे कुछ वक्त मिल जाता है पहले तो बच्चे ही मुझे करने नहीं देते थे बेटा कुछ किचन में जाने ही नहीं देते थे लेकिन अब जब से बच्चों की शादियां हुई हैं पढ़ाई में मसरूफ हो गई हैं तो कुछ टाइम मिल जाता है अब मैं बना देती हूँ अपने हाथों से बस मैं तो आपसे मिलने आया था अब पता नहीं कब मुलाकात होगी थैंक so यू सो मच अरुण भाई यू वेलकम बाय द वे व्हेन योर फ्लाइट फिफ्थ की है इंशाल्लाह अच्छा आंटी वो लेता हूं थैंक यू जाते अरे क्यों बेटा तुम भी रह जाओ ना हाँ रह जाए ना हम रात को बैठ के गपशप करेंगे आ, मैं रह जाता लेकिन असल में कल रात को मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तैयारी पकड़ लूंगा तो कल रात की फ्लाइट है कल शाम चले जाइएगा वैसे भी आप कभी हमारे घर रहे भी नहीं हाँ बस तय हो गए तुम रह रहे हो अच्छा चले ठीक है थैंक यू क्या जरूरत थी खामो खामे उसे रुकवाने की तो क्या हो गया क्या हो गया उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है यहां तो एसी तक भी नहीं है तो क्या हुआ एक दिन अगर एसी के बगैर रह जाएगा ना तो उसकी सेहत पे अच्छा ही असर पड़ना है मजाक नहीं है सिदरा मैं भी मजाक नहीं कर रही हूं कशफ और अगर उसे नहीं रहना था ना तो हमारे असरार पे भी नहीं रहता वो उसको पता है हमारा घर कैसा ए सी नहीं है या जो भी खाम -खा की कभी पानी नहीं है तो बिजली चली जाएगी ये मुसीबत वो मुसीबत क्या है भाई उसमें बेजती की क्या बात है जब इंसान ऐसा रिश्ता बनाता है ना तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो किस दुनिया में रहती हो मैं इसी दुनिया में रहती हूँ इसलिए कहती हूँ फर्क नहीं पड़ता शादी से पहले देखा था ना उसने हमारा घर अगर उसको नहीं पसंद था तो यहां दोबारा नहीं आता उसको ये चीजें मैटर नहीं करती और प्लीज तुम भी अब इन से निकलो कशा जा जाके कपड़े बदलो मैं खाना लगाती हूं जाओ सुनो हम पंखा थोड़ा तेज नहीं हो सकता ये पहले से ही हाई स्पीड पे चल रहा है फीलें really? क्या सोचती हो कुछ नहीं चल तुम बैठो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ ये लाइट का बड़ा मसला है ठहरो मैं मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आती हूँ एक सेकेंड एक सेकेंड फोन ले जाओ इमरजेंसी लाइट कहा है नहीं मिल रही ना इसलिए तो मोमबत्ती जला रही हूँ इमरजेंसी लाइट नहीं है अभी उसे कह कर आई हूँ इमरजेंसी लाइट लेकर आ रही है मैं इसीलिए मैंने कहा था कि उसे मत रुका सारी सारी रात लाइट जाती है हमें तो आदत है उनके घर में तो सारा दिन ए सी चलता है वो तो इतनी गर्मी और अंधेरे में कैसे सोएगा तुम तो बात का विटंगर क्यों बना रही हो मोमबत्ती है ना ले जाओ खामो खामे उसे बिठा के रखते हैं तुम्हें चलो बाहर चल के हैं क्यों क्या मतलब क्यों वैसे जब लाइट आएगी तुम वापस आ जाएंगे यहाँ लाइट का नहीं पता ना आए आए ना आए हाँ चलो फिर भी चलते कमाल भाई तो और भी मच्छर होंगे तो क्या हो गया हवा भी तो चल रही होगी चांद तारे होंगे और मैं हूं तुम हूं प्लीज बे माई चीज रोमांस कमा चलो इसको अब रोमांस सूझ रहा है जागो न अगर तुमने बाहर जाना है, तुम जाओ मुझे नींद आ रही है वैसे भी मैं अभी मच्छरों का अपना ताजा खून नहीं पिलाऊंगी अच्छा स्टॉप ट्राइंग भी फनी है दो मेक मी बैक चलो ना अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ मुझे नींद आ रही है फाइन तुम यहाँ पे सो मैं बाहर बैठ के सिगरेट पीता हूं तुम्हें सिगरेट कहां से मिली गाड़ी में पड़ी हुई थी पुरानी पड़ी हुई थी यार तुम सिगरेट नहीं पियोगे क्यों नहीं पी सकता मैं एक सिगरेट नहीं पीऊंगा पूरी डब्बी फूकूंगा जब तक लाइट नहीं आ रही मैं बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा हूं तुम यहां पे लेट के सो देखा यहाँ बैठे का क्या फायदा लोन की तरह तुम्हारी तरह हर बात में फायदा नहीं तलाश करता यू hmm? like तुम इस तरह की अगर बातें करोगे ना सीधा अंदर चली जाऊंगी मैं जाके दिखाऊं जाके दिखाऊं अच्छा अच्छा मान लिया जा सकती हो तुम अंदर कोई बीत नहीं है तुमसे मुझे छोड़ के चली जाना क्या मुझे किसी दिन अच्छा और तुम तो इंतहाई वफादार हो ना मेरे तुम तो मुझे कभी कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगे है ना हाँ नहीं छोड़ के जा सकता तुम कहीं अच्छा तारे तुम्हें तो तब गिनूंगा जब तुम तो मुझे छोड़ के चली फन? बस मैं सोच रही हूँ कि जब तुम तो मुझे याद करने के लिए बैठोगे तो मेरे अलावा तुम्हें और किस किस की याद आएगी मेरे अलावा तो और भी यादें होंगी नहीं एक याद दूसरी याद से टकराएगी नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगी और फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा हाँ? पता है है मजा आ रहा तुम्हारे किसी एक लफ्ज की समझ आई मुझे और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते अगर तुम तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स के ताने दे रही हो ना तो प्लीज खुल के दो ऐसा हर बात लपेट के ना किया करो ताने नहीं दे रही मैं सिर्फ कह रही हूँ तुम्हें तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं सब पता है मुझे जल रही कह रही हूँ जलने की कोई जरूरत नहीं है हाँ वो तो बाकी तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस वक्त तुम मेरे पहलू में मेरी बीजी बन के बैठ गयी चांद देखा तुमने देख रहा हूँ वो आसमान पे होता है सिर्फ दूर से देखा जा सकता है हाँ सुना था मैंने कुछ ऐसा पहले चांद आसमान पे होता था लेकिन काफी दिनों से जमीन पे शिफ्ट हो गया तुम तो, तो, तो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो तुम चीजी लाइंस बोलने के माहिर हो क्या जब कोई और अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करते हैं उसे चीजी लाइंस नहीं कहते है। प्यार भरे जुमले कहते हैं सुन लीजिए क्या तब जाके متاثر होगी तुम मुझसे न... सोचना पड़ेगा तो सारी रात लग जाएगी यार। <laughs> मेरे बारे में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती कोई एक चीज कोई एक बात ज़रा सी भी नहीं वो तारा देखो देखो क्यों मेरी तरह रोशन है क्या <laughs> मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शायद कोई पसंद और नहीं हो तुम्हारा हाथ पकड़ लो जो आपने अपनी सफाई से तारे के बहने था। जरूरी है क्या हाथ पकड़ना हाँ जी बिल्कुल जरूरी है चलो फिर यही समझ लो तो वाकई मेरे बारे में कोई बात नहीं अच्छी लगती सच बताऊं हम मेरे गौर नहीं क्या लेकिन आई एम श्योर तुम्हें एक बात तो जरूर अच्छी लगती होगी मेरे बारे में क्या यही कि जब मैं कहता हूँ कि मैं सुना हुआ चला जाऊंगा <laughs> <laughs> तुम्हें हो क्या क्या है अच्छे वाले तो तुम थे पूरा दिन क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें? अच्छा भला था मैं लेकिन याद रख थिंक अबाउट इट कि मैं कल इस्लामाबाद चला जाऊंगा मुझे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा यू नो मैट मेक्स रियली सैड अब मैं क्या करूं? तुम्हें तसल्ली दूं कि तुम्हारे आंसू पूछो बताओ क्या करूं मैं तसल्ली दूं कि आंसू पूछो अगर ऐसे ही सब कुछ करना है ना आई कैन मैनेज माय सेल्फ देखो कल तुम ऑफिस जाओगे वहां ढेर सारा काम पड़ा होगा तुम इतने बिजी रहोगे इतने बिजी के मैं क्या तुम्हें तो कोई भी याद नहीं आएगा ठीक है और जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगा तब तब तुम जूलिया रॉबर्ट्स की मूवी देख लेना पता है मुझे बहुत पसंद है ना वो तुम्हें ओके तो नहीं नहीं पसंद नहीं मुझे आई लव हर वेरी मच ठीक है फिर सारा मसला ही हो गया तुम सारा दिन ऑफिस में रहोगे और फिर जूकिया रॉबर्ट्स की फिल्में देख लो। <laughs> Because यू लव हर सो मच ऐसे ही पता नहीं क्यों आ रही तुम्हें तुम हो? नहीं की क्या बात है इसमें वैसे पूछ रहा शायद ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा चलो छोड़ो एक बात पूछूं। क्या? तो मुझे मिस करोगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ज़रा से भी नहीं। हम्म। एक लम्हे के लिए भी नहीं। भाई एक मिनी सेकंड के लिए भी नहीं। ना मुमकिन यार। ना मुमकिन मेरी डिक्शनरी नहीं है। ओह तो आई हैव टू गेट यू न्यू डिक्शनरी। अच्छा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम तो चला जाओगे ना तो रोती रहना देखते हैं ओके फाइन जा रहा हूं मैं सुन जाओ

What's so funny now? सब कुछ क्या अच्छा <laughs> तुमने बताया नहीं क्या मैं ज़... अच्छा प्लीज़ फॉरगेट अबाउट पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी बीवी मुझसे खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी अल्लाह से जाके पूछता हूं बैठो यहां पे। मैं मिस करूंगी मिस तो शायद एक छोटा लफ्ज है इन के लिए जो मैं तुम्हारे लिए रखने लगी हूं और अब मैं मैं अपने आप से डरने लगी हूँ किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है बहुत बेबस मजबूर महकूम और मुझे इन तीनों चीज़ों से नफ़रत है लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी का मरकज बनते जा रहे हो तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे तुम्हारी क्या बात अच्छी लगती है मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती अपने इर्द गिर्द तुम्हारा घूमना मेरे वजूद से ना हटने वाली तुम्हारी गहरी बोलती नजरें तुम्हारी हर वक्त की तवज्जो, तुम्हारा जान छिड़कने वाला हर अंदाज हर बार जब तुम मेरे माँ बाप के लिए एहतरामन खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे सामने झुकने लगती हूं और क्या कुछ नहीं जो मुझे तुम्हारे सामने मोम नहीं करता एक छोटे से घर के इस पंखे वाले कमरे में तुम्हारी ये गहरी नींद मिनरल वाटर बॉटल को ढूंढने के बजाय नलके का पानी पी लेना हैंड वॉश छोड़ के एक सस्ते साबुन से हाथ धोना अपनी प्लेट को मेरी माँ के हाथ के पके खाने से बार बार भरना पर मैं ये सब तुमको कभी नहीं बताऊंगी तुम्हारे हर वादे पर हंसूंगी तुम्हारी हर बात का मजाक उड़ाऊंगी तुम मुझे संगे मरमर समझते हो तो समझते रहो मैं तुम्हारे सामने रेत की दीवार नहीं बन सकती मुझे टूट जाने से खौफ आता है

मुझे नहीं पता था कि इतनी सब कुछ कर सकती है क्या यही बटन वगैरह लगाना तो बटन टांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है पता है आज पहली बार मैं तुमसे बता सर सीरियसली पता नहीं अगर तुम्हारे इस बात से मुझे खफा होना चाहिए या तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए खफा हो जाए क्योंकि शुक्रिया अदा करना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है हो गया ठीक है हम्म तुम कितने बजे निकलोगे तुम्हारे जाने के एक घंटे बाद हम्म ये, ये, ये क्या है क्या मतलब क्या जरूरत पड़ सकती है ज़रूरत किस चीज के लिए किसी भी चीज के लिए अब तक तो मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ चुकी होगी <laughs> तो रखो अपनी सैलरी अकाउंट में

जिंदगी में बहुत सारी नेमतें होती हैं एक नेमत ये भी है कि आपका मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर खर्च करे और मैंने ये कब सोचा था कि ये नेमत मुझे भी मिलेगी कोई मुझ पर भी खर्च करने वाला होगा मेरी भी जिम्मेदारी लेगा तुम्हें क्या हुआ कुछ नहीं तुम मेरे लियो था सूरी हो नहीं तो।, तो तो फिर मैं सामा खाम, खाम हैरान हो रहा है कि तुम मेरे लिए रो रही है। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे जाने से मैं उदास नहीं हो सकती सच। उदास हो रही थी। हुँ? नहीं मानेगी लड़की की भी तुम जारून के लिए भी खाना पकाया करो बेटा मम्मी वो खाने का इतना शौकीन नहीं है वैसे भी उनके घर में कुछ सारा खाना बनाता है खाना खाना खाने के शौकीन तो तो सारे मर्द होते हैं तुम खाना बनाओगी तो उसे भी शौक पैदा हो जाएगा और तुम्हारे हाथ के खाने की लज्जत पहचान लेगा वो ठीक है बात हुई वो मेरे हाथ के खाने की पहचान कैसे करेगा मैं इतना खाना अच्छा बनाती भी नहीं हूँ बात अच्छा खाना बनाने की नहीं है उस जायके की है वो जायका जो लगन से आता है खाने में देखो बेटा बीवियां जब शोरों के लिए खाना बनाती है ना तो शोहर पहचान लेते हैं। बीबी के हाथ में खास लज्जत होती मैं चाहती हूँ जारून चाहे कहीं भी जाए कैसा भी खाना खाए लेकिन उसे तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने याद आए अम्मी वो तो अमीर लोग हैं पता नहीं किन किन मुल्कों से खाना खाया है क्या क्या खाया है अब इन सारी चीजों के बीच में उसे मेरे हाथ के खाने की याद कैसे आएगी मेरे हाथ का जायका वो कैसे पहचानेगा माना कि वो पूरी दुनिया में घूमा है तरह तरह के उसने खाने खाए हैं बेशुमार लड़कियों को वो जानता है लेकिन उसे इंसानों की पहचान है बेटा अगर पहचान ना होती तो शादी करने के लिए वो हमारे दरवाजे पे ना आता उसे इंसानों की पहचान है बेटा तभी तो तुम उसकी बेटी हो